हुआ क्या था सब कुछ, मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। अराउंड रात को 2 बजे के करीब कराची एयरपोर्ट पे पहुँचा, चेक इन किया, इट वॉज वेरी स्मूथ चेक इन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम टर्की इस्तांबुल। इस टाइम हूँ मैं इस्तांबुल के सबिहा समथिंग, इट्स SAW आई थिंक सबिहा समथिंग एयरपोर्ट, और ये डोमेस्टिक लॉन्च है। मैं आज सुबह अराउंड टर्किश टाइम 9:30 बजे के करीब यहाँ पे पहुँच चुका था फ्रॉम कराची पेगासस एयरलाइन से। मेरी रात फ्लाइट थी कराची से पेगासस की सुबह अराउंड 5:15 की, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़्लाइट थी। टाइम पे आई, टाइम पे गई और टाइम पे हम लोगों को यहाँ पे इस्तांबुल पहुँचाया। एंड देन मैंने बोर्डिंग करवाया, बोर्डिंग इसका चेक इन किया, चेक इन करके डोमेस्टिक फ़्लाइट का बोर्डिंग किया, चूँकि मुझे एक नेक्स्ट अगली डेस्टिनेशन पे निकलना था। तो अभी 3 घंटे के बीच में उस फ्लाइट के थोड़ा सा मार्जिनल टाइम रखा हुआ था, लेकिन चूंकि वो पिछली वाली फ़्लाइट ना तो डिले हुई और ना ही कोई सिक्योरिटी या पासपोर्ट कंट्रोल में कोई इस तरह का एसएस डिले आया, जिसकी वजह से मुझे अब मैकडोनल्ड पे बैठा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट फ्लाइट का। क्या था सब कुछ, मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। अराउंड रात को 2 बजे के करीब कराची एयरपोर्ट पे पहुँचा, चेक इन किया, इट वाज वेरी स्मूथ चेक इन। उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ PCR टेस्ट देखा, कुछ नहीं समझ आती इसकी। और PCR टेस्ट देख के उन्होंने एक टर्किश फॉर्म था, लाइक इंफॉर्मेशन फॉर्म, एंट्री फॉर्म, वो आपको 72 आवर्स पहले आने से पहले यहाँ पे उसको फिल करना होता है। तो आप वो फिल करें और उसका प्रिंट आउट अपने साथ रख लें। वो देखा उन्होंने, PCR टेस्ट देखा, वीज़ा देखा, पासपोर्ट देखा और मुझे बोर्डिंग कार्ड दे दिया। देन उसके बाद मैं पासपोर्ट कंट्रोल पे पहुँचा, उन्होंने जस्ट वीज़ा देखा, नो एयर टिकट, नो रिटर्न टिकट, नथिंग। जस्ट उन्होंने कहा, मतलब उससे तो मेरी बात ही नहीं हुई, पता नहीं शायद तो मैं उसको अच्छा नहीं लगा, उसने मेरे से बात करना गवारा ही नहीं किया। तो उसने जस्ट मेरी एग्जिट की स्टैम्प लगाई एंड देन उसके बाद 1-1.5 घंटा हम लोग, मेरा दोस्त भी था एक साथ जो कि अभी इस टाइम स्वीडन निकल चुका हुआ है, उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी यहाँ से कराची इस्तांबुल से। तो हम सेम फ्लाइट से कराची से इस्तांबुल तक आए, तो हम बैठे रहे, फिर कॉफ़ी शॉफ़ी पी, देन उसके बाद हम फ्लाइट पे बोर्ड होने के बाद सो गए 5:30 बजे हम सो गए। एंड देन आफ्टर दैट मैं उठाऊँ तकरीबन कोई आई थिंक 8:30 बजे के करीब, और 9:15 बजे के करीब यहाँ पे हमारी फ़्लाइट इस्तांबुल सबिहा गोकचन एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी थी। एंड आफ्टर दैट मैं समझा शायद थोड़ा सा ट्रिकी होगा इनका एंट्री का प्रोसेस, लाइक इमिग्रेशन वगैरह या पासपोर्ट कंट्रोल में कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि मेरे सामने 2 लोग, शायद वो पाकिस्तानी ही लग रहे थे, या पाकिस्तानी थे या इंडियन थे, वो 2 लोग लड़के थे मेरे जैसे, वो खड़े हुए थे और उन्होंने उनको साइड पे किया, उनका थर्ड नंबर पर मैं था, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने पासपोर्ट दिया, उसने ना मेरे से वैक्सीन का पूछा, ना उसने मेरे से एंट्री का पूछा, ना उसने मेरे से पूछा अभी क्या, कहाँ जाना है, क्यों आए हो, क्या वजह है, कुछ भी नहीं। जस्ट उसने मेरे स्टैम्प लगाई, शायद उसको भी मैं अच्छा नहीं लगा, वो मैं बाद में बताऊँगा। और
हाँ एक चीज़ है, यहाँ पे उतरने के बाद आप उन्होंने कहा कराची पैसेंजर दिस लाइन कराची पैसेंजर दिस लाइन, तो वो एक लाइन बन गई जो पाकिस्तानियों की लाइन होती है। मतलब हम लोगों ने अपना नाम तो कायम रखना है ना, तो सबको पता चलना चाहिए कराची वाले आए। तो उन्होंने जस्ट लाइन में लगाया एंड देन कहा कि आप अपना आपका PCR टेस्ट होगा। तो उसने जस्ट एक मुझे स्लिप दी, आपको वो स्लिप ज़रूर लेनी है क्योंकि अगर वो स्लिप आप नहीं लेंगे उनसे जो आपका PCR टेस्ट करेंगी, ठीक है, तो अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपका जो जब आप इमिग्रेशन पे आएंगे पासपोर्ट कंट्रोल पे आएंगे तो आपको वो फर्दर प्रोसीड नहीं करने देगा, आपको बोलेगा वापस जाए। ओके, तो वो आपको खुद ही पकड़ा देगा लेकिन अक्सर वो भूल भी जाए तो आपने लेना ज़रूर है उसको। दैन उसके बाद जो है ना उन्होंने मुझे एक टेस्ट किट दे दी, किट मैंने जो है ना वो आगे एक काउंटर था उनको दी, उन्होंने मेरा टेस्ट किया, पता नहीं कैसा टेस्ट किया मुझे तो नहीं पता ना, उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर लिया जस मेरे पासपोर्ट की पिक्चर ली, चूँकि शायद मैं जो है वो इनका एंट्री का फॉर्म फिल कर चुका हुआ था तो इनके पास पासपोर्ट की पिक्चर के साथ ये मैच करने के लिए कर लेंगे मैच, इन केस मेरा अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो ये कर लेंगे मैच, मेरे तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने जस्ट इन्होंने मेरा वो किया हिसाब किताब जो कोविड का होता है अपना, वो करने के बाद एक वो चिट दी, चिट लेकर मैं पासपोर्ट कंट्रोल से आके उन्हें दस्ती दस्ती मेरी जो है ना वो स्टैंप लगाई और मैं फिर इधर आया। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस था, लाइक इंटरनेशनल अराइवल से निकल के डोमेस्टिक डिपार्चर पे आना तो एक तो चलना काफ़ी पड़ा, फिर दूसरा जो है वो इनका डोमेस्टिक डिपार्चर जो है ना वो सब काउंटर सब एयरलाइन के चेक इन काउंटर्स जो है ना वो एक ही हैं तो एक ही लाइन लगी होती है तो उसमें जो है ना अच्छा खासा टाइम लगता है। खैर मुझे लगे वहाँ पर 15-20 मिनट लगे लाइन में। वो करने के बाद अब इधर मैकडोनल्ड आया हुआ हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, तो देखते हैं अब जो अगला डेस्टिनेशन है मेरा वो कैसा रहता है। वो है लोकल डोमेस्टिक फ़्लाइट। इस ट्रिप में आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये है कि आपको वो एक होता है ट्रेडिशनल टर्की टूर, ठीक है, जो नॉर्मली पाकिस्तानी आते हैं। इस्तांबुल में ट्रिप किया, देन उसके बाद बरसा चले गए, देन उसके बाद बॉस्फोरस वगैरह देखा, इधर उधर 5-6 दिन गुजारे, तो फिर वापस कराची या पाकिस्तान चले गए। टेक्निकली मेरा ये ट्रिप 26 डेज़ का है और मैं इंशाल्लाह आपको एक डिफरेंट तरीके से टर्की का ट्रिप करवाऊँगा। सो मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्की मिलने वाली हैं। Attention please. Pegasus Airlines, flight number PC27062, Konya, is ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate number 206A. यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो है ऐसा कि आप बोर्डिंग कार्ड ले लेंगे देन उसके बाद आप बैठ जाएंगे, बोर्डिंग कार्ड पे गेट नंबर नहीं लिखा रहता, आपको वेट करना पड़ता है इस ये जो स्क्रीन है स्क्रीन पे आपको, देन फिर फ्लाइट से तकरीबन कोई 45 मिनट्स या 1 आवर बिफोर आपको आपका बोर्डिंग गेट जो है ना वो बताया जाएगा। लाइक जैसे मुझे अभी पता चला है कि मेरा जो है वो गेट 401 है, तो मैं अपने गेट पे जाऊंगा, देन वहाँ से बोर्ड करूंगा फॉर द डोमेस्टिक डिपार्चर। 401 मेरा गेट नंबर था, जो बोर्डिंग गेट था वो मुझे मिल गया है और अभी जो है वो वेट करेंगे। कितने बजे है फ्लाइट का टाइम जो आ रहा है अभी आफ्टर द बोर्डिंग गेट, ये अभी आगे चला गया। खैर वो अपना काफ़ी चलना पड़ा है अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ कहाँ जाना वो, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गाइड किया हुआ है। लाइक मेरा 401 था तो मैं जस्ट 401 को के एरो को लेकर चलता आया हूँ तो मैं अपने गेट पर पहुँच गया। तो अभी जो मेरा
बोर्डिंग का दिखाऊंगा नहीं मैं आपको कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। कोई आ रहा है 401 TK 7522, ये है 13:10 पे, मतलब 1:10 पे, और ये 1 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट है। तो मैं अपने अगली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा जो कि टर्की का एक सी साइड पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिटी है। जो कि एक मैंने एक यहाँ पहुँच के आपको बताना था कि जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जो कि डोमेस्टिक सिटी था टर्की का। अभी जस्ट लैंड किए हैं, बैगेज ले लिया है, ये मेरा पीछे बैग है, एंड ये कुछ ऐसा दिखता है अंतालिया का डोमेस्टिक अराइवल। तो अभी प्लान कुछ इस तरह से है, मेरा होटल ऑलरेडी बुक्ड है, और बस मैं अभी बाहर निकलूँगा, इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि बैटरी भी थोड़ी सी लो हो चुकी हुई है और वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो चुकी हुई है फ्रॉम कराची टू इस्तांबुल एंड देन अंतालिया। तो इंशाल्लाह आपको आगे की अपडेट अगली वीडियो में मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि आपको आगे टर्की के 26 दिन के टूर की लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।